जय हिंद दोस्तों, शाहरुख खान की मूवी पठान का ट्रेलर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया है, लॉन्च किया गया है। वहीं अगर हम भारत की बात करें, भारत में शाहरुख खान की मूवी पठान का पिछले 1-1.5 महीने से विरोध चल रहा है। उस मूवी को ना देखने के लिए कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा है बायकॉट पठान मूवी। दोस्तों, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और जो हिंदू संगठन के लोग हैं और अनभक्त लोग पिछले 1-1.5 महीने से शाहरुख खान की मूवी पठान का विरोध कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, ना तो पठान मूवी देखूंगा और ना ही किसी को देखने दूंगा। अगर थिएटर में किसी ने, सिनेमा हॉल में किसी ने पठान मूवी को लगाया तो हम वहां पर चलने नहीं देंगे। दोस्तों, वहीं दूसरे देश के अंदर हमारे देश की मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, वहां पर दिखाया जा रहा है। दोस्तों, दुबई में बनी हुई बुर्ज खलीफा, दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर शाहरुख खान की मूवी पठान का ट्रेलर दिखाया गया है, लॉन्च किया गया है। दोस्तों, वो तस्वीरें, वो वीडियो शाहरुख खान की ट्रेलर की जो बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया है, वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो अनभक्त लोग, बीजेपी लोगों का आरोप ये है कि शाहरुख खान की मूवी पठान का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर के कपड़े पहने हैं। दोस्तों, बड़े ही शर्म की बात है कि भगवा कपड़े पहनने पर उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अगर वो खुद भगवा कलर के कपड़े पहनते हैं, जब हिंदू धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती है। दोस्तों, ये कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जो पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं, पर दोस्तों दूसरे देश के लोग बुर्ज खलीफा पर मूवी का ट्रेलर दिखा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप मूवी को देखें। दोस्तों, ये जो लोग पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा कोई ऐसी वैसी बिल्डिंग नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जिस पर शाहरुख खान की मूवी पठान का ट्रेलर दिखाया गया है। शाहरुख खान की मूवी पठान का जो बजट है वो 250 करोड़ की मूवी है, यानी 250 करोड़ की मूवी को ये बनाई गई है और इसने लॉन्च होने से पहले ही 300 करोड़ रुपए कमा भी लिए हैं। अब पठान मूवी को फ्लॉप कराना कोई आसान बात नहीं है, नामुमकिन ही हो गया है। जिस मूवी का बजट 250 करोड़ हो और उसने लॉन्च होने से यानी रिलीज होने से पहले ही 300 करोड़ कमा लिया हो, तो उसको फ्लॉप होना ही नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।